स्टूडेंट्स, असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? कैन यू हियर मी क्लास? जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लास? चलिए जी, हीरा जफर ने डेली बेसिस पर मुझे सबसे पहले बताना होता है। थैंक यू वेरी मच हीरा अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि अभी अपलोड हो गई है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ सामने जो है सारा पैटर्न करना था, पता नहीं क्यों अक्सर आपको मेरी आवाज़ क्यों नहीं आती, इस वक्त क्यों होती है मेरी आवाज़? अभी तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी। जी, ज़हीरा ज़फ़र, क्लियर है मेरी वॉइस आ गई है आप लोगों को? चलिए, अच्छा हो गया। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। का मैंने आपको एप्लीकेशन पैटर्न भी बताया था और एप्लीकेशन बनने का सारा उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से तरीका भी बताया कि एप्लीकेशन करनी किस तरह से आप लोगों ने। ठीक है, जी रोशना कमर, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके जी, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, कल मैंने आपको स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करने का तरीका बताया था कि किस तरह से करनी है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं जो आप लोगों को बहुत डिटेल में जो है सारी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आप लोगों को, और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि करना किस तरह से। क्लियर जी? ओके जी, ओके। योर सिंसियरली और योर ओबीडियंटली का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। योर सिंसियरली का मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द एप्लीकेशन एज अ जॉब एप्लीकेंट और एज अ नॉट एज अ स्टूडेंट, देन यू विल राइट योर सिंसियरली। ओके, चाहे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, चाहे आप जिसको भी लिख रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द स्कॉलरशिप, फॉर द अटेंड पीस ऑफ वर्क, फॉर द सिक लीव, यू हैव टू राइट डियर योर ओबीडियंटली। ओके, आप लोग फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे? योर ओबीडियंटली। ओके, क्लियर? Okay, everything is clear now, voice is clear, then my point is clear. Okay, हमारी बहुत सी जो है एप्लीकेशन जो मैं आप लोगों को करवानी थी ठीक कर लगी हमारी बीपी के अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया था कि व्हाट्सएप पे आप लोगों ने जो है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फौरी तौर पर उसको पढ़ लिया होगा और सोच लिया होगा कि किस तरह से करनी है, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इस तरह के होंगे जिनको पता ही होगा कि एप्लीकेशन मैडम ने दी हुई थी, अब दोबारा से वो सोच रहे होंगे कि अच्छा हाँ एप्लीकेशन दी थी मैम ने, वो करनी थी, अच्छा चलो जी कुछ खोल के अभी पढ़ने लग गए होंगे, इस तरह से भी होता होगा। ठीक है, ओके जी, द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, July 15, 2014। ठीक है, दिस सेक्रेटरी राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी को लिखनी है हायर एजुकेशन के फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप ग्रांट फॉर हायर स्टडीज, अपनी हायर स्टडीज के लिए। ठीक है, यू नीड द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज। ओके, यू नीड स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज, आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है अपनी हायर स्टडीज के लिए। अब आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं? सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को लिख रही है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, द सेक्रेटरी, सबसे पहले मैंने आपको यही कहा था कि डेजिग्नेशन आ जाएगा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन आ जाएगा यहाँ पर, या हायर एजुकेशन ही आ जाएगा, आगे पंजाब आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, या हायर एजुकेशन पंजाब को ही लिखनी है। एसपी हाई अथॉरिटी होती है हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो पंजाब के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो होती है, पंजाब के हो गए, शेखपुरा के हो गए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लाहौर की बजाय पंजाब लिखा है। ओके, ये भी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में
रखनी है, सोच समझ के लिखनी है कि कौन से हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिख करने जा रहे हैं और कौन से जो है वो अपने लेवल पे हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज इन देयर कंट्री। ठीक है, अब मैंने आपको यही बताया था कि वहाँ पर जब आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी तो वहाँ पर लिखा होगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, किसको लिखनी है, ठीक है, और आगे से उसका जो है नेम दिया होगा, ठीक है, पोस्ट दी होगी, मतलब पोस्ट दी होगी और इसका रेजिग्नेशन आगे से दिया होगा और आगे से वो सारी चीज़ें आपको लिखी जो है वो सारी की सारी आपकी करेंगी। ओके जी, द गवर्नमेंट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन has invited applications for the grant of scholarship for higher education. कहते हैं गवर्नमेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटानिया की जो है हम लोगों को गवर्नमेंट है वो इन्वाइट कर दिया, कुछ अप्लीकेशन चाहिए उसको ग्रांट फॉर स्कॉलरशिप के लिए, हायर स्टडीज के लिए इन देयर कंट्री, अपने मुल्क में। दी हैव ऑफर दिस स्कॉलरशिप टू ऑल द प्रोफेशनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए है, हायर सर्विस का जो उनको क्या हुआ है वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्या है, दे हैव ऑफर दिस स्कॉलरशिप, ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप को टू ऑल प्रोफेशनली टैलेंटेड स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ही वो दे रही है। द एडवर्टीजमेंट हैज अपियर्ड इन ऑल द लीडिंग उर्दू एंड इंग्लिश न्यूज़ पेपर ऑफ द कंट्री। कहते हैं एडवर्टीजमेंट जो है वो हैज़ अपियर्ड इन ऑल द लीडिंग उर्दू एंड इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स ऑफ द कंट्री ऑन June 27, 2010। कहते हैं ये एडवर्टीजमेंट जो है हमें अपियर्ड हैज़ अपियर्ड, एडवर्टीजमेंट जो है वो हैज़ अपियर्ड, ये आई थी, इशू हुई थी इन ऑल द लीडिंग उर्दू एंड इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स ऑफ द कंट्री ऑन June 27, 2010। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो डेट का स्टाइल बिल्कुल वही है जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करें, डेट इस तरह से ही आप लोग लिखा करें। जिस तरह यहाँ पे आप ऊपर एग्जामिनेशन हॉल देख रहे हैं, सिटी ए बी सी देख रहे हैं, July 15, 2014। ठीक है, इस तरह से जो है ये पैटर्न होता है डेट लिखने का। आप अपनी रूटीन में भी अपने भी देखिए, जब आप लोग भी डेट लिखते होते हैं तो आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग बिल्कुल इस तरह से ही लिखें। ठीक है, आवाज नहीं आ रही जिसको, आवाज रुष्णा कमल को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, क्या बताना है रिटर्न मैसेज पे। हमारी आवाज़ ओके, रुष्णा को आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आ रही है रुष्णा, रुष्णा अभी ने अभी ज्वाइन किया है ना, और दिल को आवाज़ आ रही है, दिल भी कह रहा था कि आवाज़ नहीं आ रही है, अब आ रही है।
हाँ तो 1 मिनट के लिए दरमियान में जो है वो हो जाता है ना, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए जो है वो। अब आ रही है, ओके सही है, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वेट कर लिया करें आप लोग। फोन नहीं कर, मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही। चलिए ऑनलाइन क्लासेस है ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, वैसे जब फेस टू फेस क्लासेस होंगी बस थोड़ी दिन ही लगे आप लोग की मस्तियों के करने, आप लोग कितना करने आराम से बैठ के क्लासेस हो रही होती है। ठीक है, हमारी एक मिलने वाली है, उनकी जो है वो ओपन हुए हैं, उनकी अकेडमीज ओपन हुई हैं, अकेडमी जाने लगी हैं वो। तो अकेडमी जैसे ही ओपन हुई है, पहले वो घर बैठ के आराम से लेक्चर लिया करती थी, अब जनाब उनकी अपनी हुई है तो वो रोए काल जोर से, मैट्रिक की स्टूडेंट है। मैंने नहीं जाना, ऑनलाइन क्लासेस ही अच्छी थी हमारी, आराम से हम क्लासेस लेते थे, वो तैयार होना पड़ा, जाहिर है बैग उठाओ वहाँ पे, 9 o'clock तक जो है वो उनकी रही है इस वजह से। नहीं नहीं मैम कहाँ पे पढ़ा रही है, स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, कहीं सिग्नल चले जाते हैं, इस वजह से रुशना शोर मचाने शुरू कर देते हैं आप लोग। ठीक है, ओके जी, ठीक है। एप्लीकेशन तरीका मैंने आपको बताया है, आइंदा अपने डेट को इसी तरह से फॉलो करना है, July 15, 2014। उसमें क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस में भी आ जाएगी और थोड़ा ये इंडिविजुअल स्टाइल लगता है डेट का। ठीक है, पढ़े लिखों वाला स्टाइल लगता है, थोड़ी डेट डिफरेंट हो जाती है ना, तो इस वजह से ही आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन में भी जो है वो सही, ऑनलाइन में भी आप लोग इस तरह से कहेंगे, इतने अरसा हो गया तो आवाज नहीं आ रही। तब आप लोग जब लेसन सुनाते तब आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही होती, फिर मैं कहूंगी कि आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ठीक है, ऐसा ही अच्छे नहीं, कोई नहीं, अल्लाह तला खैर का मतलब क्या, बस दुआ करें कि ठीक ठाक तरीके से सारे जो है वो हो जाए। एनी हाउ आप लोगों को मैंने डेट लिखने का तरीका बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन सबसे पहले उसका आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसकी पोस्ट आ जाएगी, उसके बाद उसका नेम आ जाएगा, नेम लाइक हमने ये नहीं लिखना सेक्रेटरी एजुकेशन को के दास में शान है, द प्रिंसिपल होता है, द सेक्रेटरी होता है, द मैनेजर होता है। ठीक है, अगर आप लोग को एप्लीकेशन लिखने के लिए आई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स, फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग के द मैनेजर, बच्चे उसके आगे हायर वो लिखना शुरू कर देते होते हैं HR ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, नहीं, डिपार्टमेंट जो है वो नीचे आएगा आप लोगों का, सिर्फ पोस्ट जो होती है वो ऊपर आती है, बाकी सारी चीजें जो है वो नीचे आती है आप लोगों की। ठीक, ओके, The government of Great Britain has invited application for the grant of scholarship for the higher studies in their country. They have offered this scholarship to all the professionally talented students. ठीक है, they have offered this scholarship to all the professionally talented students, like in talented students ke liye hai, theek hai, the advertisement has appeared in all the leading urdu and english newspaper of the country on January 27, 2010. ab students aap logon ne application writing ko ye bhi dekhna hai ki aap kis kisam ki jo language wahan par use ho rahi hai, kis tarah ki wo cheeze sari usme use hai. advertisement has appeared in all the leading urdu and english newspaper of the country on June 27, 2010. kehte hain जितने भी एडवर्टीजमेंट हैज अपीयर्ड इन ऑल द लीडिंग उर्दू एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कहते हैं उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हैं वो इसमें आए हैं, न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री ऑन जून 27, 2010 को जो है वो आया है न्यूज़पेपर, जितने भी उर्दू और इंग्लिश कहते हैं और उनमें ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो यूज हुई थी। द स्कॉलरशिप इज सपोज्ड टू बी एंजॉयड बाय दोज स्टूडेंट्स हु हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ, मेडिसिन, कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर। वो कहते हैं स्कॉलरशिप इसमें जो है इस कोर्स टू बी एंजॉयड के वो इंजॉय करेंगे, ठीक है, सिर्फ वही इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि टॉप लिस्ट में रही हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट रही हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ, मेडिसिन, इन द फील्ड लॉ कानून के, मेडिसिन के, ठीक है, मेडिसिन के और क्या है जी, मेडिसिन के और
लॉ की, मेडिसिन की, कॉमर्स की, साइंस की एंड एग्रीकल्चर की। फॉर्चुनेटली कहते हैं खुशकिस्मती से आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन अवेल देमसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अ समरी और रिज्यूमे ऑफ माय एजुकेशनल करियर इज गिवन बिलो। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द हायर स्टडीज। क्या देना है, ग्रांट देना है ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद डियर सर एंड डियर मैडम यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन डियर सर एंड डियर मैडम आना है यहाँ पर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर भी आ सकता है। जी, अब एप्लीकेशन लिखी जा रही है, किसको लिखी जा रही है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को लिखी जा रही है फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप के लिए, हायर स्टडीज के लिए, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए लिखनी है आप लोगों ने, क्लियर। तो जब इस तरह से लिखेंगे आप लोग, तो फिर आप लोगों ने पहले थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है, कि किस तरह से, किस एडवर्टाइजमेंट में ये हुआ था, एडवर्टाइज हुई थी आप लोगों का, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर में हुआ था, उसका रेफरेंस दिया आप लोगों ने, उस रेफरेंस देने के बाद जो है आप लोगों ने ये लिखा कि वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट कब आई थी, ठीक है, न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री कौन सा था, 27th को स्कॉलरशिप इज सपोज्ड टू बी एंजॉयड बाय दो स्टूडेंट्स हु हैव टॉप, ठीक है, किन स्टूडेंट्स के लिए वो लिखा गया था, कौन से कैंडिडेट्स आए थे वहाँ पर, वो सारा लिखना है, ठीक है। और उसे ये भी कर दिया है साथ में कि वो है टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द फील्ड ऑफ लॉ, मेडिसिन, कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखना आप लोगों ने, बल्कि फॉर्चुनेटली है क्लास, ये जो वर्ड्स हैं आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन राइटिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा काउंट होंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो सही तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये वर्ड्स जो होते हैं बार बार एप्लीकेशन में यही ऑलमोस्ट वर्ड यूज होते हैं, आपको कहीं जो करने होते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो इसको करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स। फॉर्चुनेटली आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन अलाइव देमसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। कहते हैं खुशकिस्मती से मेरा भी शुमार इसी कैटेगरी में स्टूडेंट्स में होता है जो कि अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी के लिए मुनासिब समझते हैं, इस मौके के लिए, ठीक है। और समरी और रिज्यूमे ऑफ माय एजुकेशन के लिए इज गिवन बिलो। जाहिर सी बात है, स्कॉलरशिप ग्रांट जो है उसको, इफ ही इज कंसीडर्ड इन द टॉप लिस्ट कैंडिडेट्स, तो ही ये उसको आएगी ना, ठीक है। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। कहते हैं आई डिड माई ग्रेजुएशन, कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में फ्रॉम हेले कॉलेज से, ठीक है, फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। आई डिड माई मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज कराची एंड वॉज डिक्लेयर फर्स्ट अमंग द स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स।
I got a degree MBA finance from LUMS University Lahore. I got first class in this. I won 3 gold medals in my academic career. I took an active part in extracurricular activities and was declared the best debater of the Halle College of Commerce. I played cricket in the college and got a certificate as a best opening batsman. Keeping in view the above mentioned facts, my name will be included in the list of those who are competing for a scholarship abroad. ठीक है, अब जितनी भी वो सारी बातें कह रही है उन्होंने यही कहा है जी। एप्लीकेशन में दो पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में देखिए जॉब एप्लीकेशन थी उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन में भी आप लोग जो है वो थोड़ा सा इस तरह से पॉइंट बना के देख सकते हैं, लेकिन अभी हम स्कॉलरशिप के लिए ग्रांट जो है उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई करना है ग्रांट फॉर ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, जब हायर स्टडीज के लिए हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे ना तो उसमें आ जाएगा आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आप लोगों ने करना है। आई डिड माई मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज कराची एंड वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट अमंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स किस तरह से है। ठीक है, इस तरह से जैसे इसने पार्ट बना दिया ना डिफरेंट एप्लीकेशन के, बिल्कुल इस तरह से आपने भी पार्ट बनाकर तो वो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। आई डिड माई ग्रेजुएशन जिस तरह से कहा है, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, कॉमर्स से क्या, फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब देखिए जो है उसने क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बता दी है और साथ में जो है बता भी दिया है कि कौन से कॉलेज से किया है, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर बता दिया एंड टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, और ये भी बता दिया है कि आई वॉज इन द टॉप लिस्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, सेकेंड जो है सेकेंड वो अब जाहिर सी बात है वो सारे अपने के सारे प्रूफ देगा तो फिर वो उतरेगा ना सारे का सारा जाकर उसके ऊपर कि वो ये स्कॉलरशिप देने के लिए जो है
वो एबल भी है या नहीं है, इतनी एबिलिटीज भी उसमें, अब वो एबिलिटीज जो है अपनी सारी की सारी यहाँ पर जो है वो बताता जाएगा। डिड माई मास्टर्स इन कॉमर्स कहते हैं, कॉमर्स में मास्टर्स किया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज कराची एंड वो इज डिक्लेयर्ड फर्स्ट अमंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में रहा। आई गोट अ डिग्री ऑफ एमबीए, कहते हैं एमबीए की डिग्री उसने फाइनेंस में ली है लम्स यूनिवर्सिटी से लाहौर से, आई गोट फर्स्ट क्लास इंग्लिश, सो कहते हैं मैं उसमें फर्स्ट क्लास जो है मैंने फर्स्ट पोजिशन रही है मेरी। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नेक्स्ट जो है आई गोट अ डिग्री ऑफ एमबीए, वो क्या कहता है कि एमबीए की डिग्री भी मैंने ली है, ठीक है, फाइनेंस की। एमबीए जो है वो फाइनेंस में भी हो रहा है, एमबीए जो है वो आगे से जो है वो मार्केटिंग में भी होता है, तो वो साथ उसने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, सारे का सारा। फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर आई गोट फर्स्ट इन दिस, और मैं इसमें फर्स्ट रहा, आई गोट फर्स्ट पोजिशन भी आ सकता है यहाँ पर। आई वॉन्ट 3 गोल्ड मेडल्स इन माई एकेडमिक करियर, एकेडमिक करियर में उसने 3 गोल्ड मेडल्स भी ली हुई हैं, ठीक है। अब मैं गोल्ड मेडल्स का भी आप देखें, पहले क्या है उसने एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी आपने बता दी है, उसके बाद जो है उसने मेडल्स जिस जिस करिकुलर एक्टिविटीज़ में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो जो उसने पार्टिसिपेशन किया वो सारा इसमें गया। एक्टिव पानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड वॉज डिक्लेयर द बेस्ट डिबेटर ऑफ द बेस्ट Best debater of the Halley College of Commerce, कहता है took an active part in the extracurricular activities, extracurricular activities भी में भी हो रहा है, and was declared the best debater of the Halley College of Commerce, best debater रहा है Halley College of Commerce का, ठीक है। CV में भी almost यही points होते हैं जो हम discuss करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि scholarship के लिए higher education studies के लिए जो हो रही है वो सारे की सारी सेव। I played cricket in the college and got a certificate as a opening batsman, opening batsman जो जो एबिलिटीज थी जितनी जितनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से थी उसकी और जितनी भी उसकी थी जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे उसके पास जितने भी उसने मेडल वॉन किए और जितने भी उसने सर्टिफिकेट्स लिए और जो भी छोटे भी सर्टिफिकेट उसने लिए हैं ग्रेजुएटर का लिए जितने भी उसने लिए वो सारे के सारे उसमें जो है वो उसने मैंशन किए हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा ना सी वी, ठीक है, और ज़्यादा जो है वो ब्राइट हो जाएगा सी वी बनाने के लिए ग्रांट फॉर स्पेसिफाइड स्टडीज के लिए जो है वो किया है सारे का सारा उसने। गेटिंग वन पॉइंट, ठीक है जी, ये सारी की सारी जो है ये बनाना है उसने, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कीपिंग इन द व्यू, ठीक है, जितनी भी एबिलिटीज हैं जितनी भी सारी चीजें वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिख ली है, ठीक है। कीपिंग इन व्यू कहते हैं, अब ये देखिए एप्लीकेशन वो हो कि ओपनिंग लाइंस भी उसकी जो है वो बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए जिसमें पहले से ही पता चलता है, सब्जेक्ट जो है वो पर्पसफुल होना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये बड़े मुश्किल होते हैं कि हम जिस सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। I took an active part in extra curricular, okay, keeping in view the above mentioned facts, कहते हैं जितने भी ऊपर वाले हैं mention facts ही होने चाहिए। अब आप लोग जो है स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं ये ना हो कल कुछ जब आप लोगों के सर्टिफिकेट मांगे तो आप लोगों के पास हो ही ना, ठीक है, तो जितने भी mention facts हैं, my name will be included in the list of those who are competing for a scholarship of group, कहते हैं हो सकता है कि मेरा नाम जो है उनमें शुमार हो जाए जो कम्पीट कर सकते हैं, वो यू विल आखिर में लिखते हैं होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन, ठीक है, hope you will consider my application, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएगी। योर सिंसियरली XYZ, जी एग्जाम्स में नेम की जगह XYZ ही लिखना होगा, हाँ जी बिल्कुल जी, एग्जाम्स में XYZ ही लिखा जाता है, सिटी ABC ही लिखा जाता है, वहाँ पर अपना नेम मेंशन नहीं करना था। UHS में तो खास तौर पर जो है प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल भी कहते हैं अपना नेम आपको तो नहीं मेंशन नहीं करना। ओके, एनीथिंग मोर डू यू वांट टू आस्क क्लास,
जी स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से, ठीक है? तो जैसे ही ये जो है आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। हाँ, डेट जो आप लोगों ने जिस जो होगी उसी दिन ही की मेंशन करनी है, ठीक है? हाँ नहीं, पेपर की बात करें, पेपर में तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, उसके आगे पीछे भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि डेट जो होती है जब एप्लीकेशन लिखते हैं जो डेट होती है वही मेंशन करनी है आपको, ठीक है? कोई और इधर उधर की आप लोगों ने मेंशन नहीं करनी होती डेट, ठीक है? क्लास इसको रीड आउट करें, जो नहीं समझ आती पूछो मुझसे, आप लोग समझिए इसको अच्छी तरह से। वर्ड जो है वो आपके पास एक जो है आपके पास ट्री और होना चाहिए वर्ड्स का, वोकैबुलरी का, ठीक है? वोकैबुलरी को देखिए आप लोग, वर्ड्स को देखें, जो नहीं समझ आती पूछो मुझसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? और वैसे भी स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर भी आते रहते हैं बच्चों, ग्रांट्स आती रहती है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आप लोगों ने पूरी की पूरी करनी होती है, ठीक है? तो देखें स्कॉलरशिप के लिए अच्छे। Thank you.
नहीं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो बता देना। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन, तो ये अटेंडेंस बच्चों को पता चल जाता है। मैडम आप पूछ चुके हैं, मैडम ने अटेंडेंस लेनी शुरू कर देनी है। मैं आपके अटेंडेंस लेती हूँ। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन तो पूछ लेना। ओके।